लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी अच्छा काम करना है। लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी अच्छा काम करना है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश अपनी ऐसी वैसी कराए, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि धर्मेंद्र जी, बाबा ने तो कुछ और शब्द कहे हैं। बिल्कुल और शब्द कहे हैं बाबा ने, और बाबा भी क्या कहे, लाला रामदेव ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द सभ्य समाज के अंदर कोई नहीं कह सकता है। और इसीलिए मैं ऐसी वैसी कह रहा हूं, आप समझिए इसको, जो बाबा ने कहा है, जो रामदेव ने कहा है। कमाल की बात हो गई है, देश के अंदर एक टेलीविजन चैनल पर बैठ करके, और टेलीविजन चैनल जो है वो कोई ऐसा वो माध्यम नहीं है जिस पर कोई अडल्ट मूवी दिखाई जाती हो, जिस पर छोटे बच्चे देखने की मनाही हो। टेलीविजन चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए देश के लोग खबर जानते हैं, और उस चैनल के ऊपर बैठ करके रामदेव कह रहे हैं कि देश अपनी ऐसी वैसी कराए, रामदेव अच्छा, बाबा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। और मैं आपको फिर सिलसिलेवार तरीके से सबूतों के साथ में बताऊंगा कि देश अपनी कैसी कैसी करा रहा है और मोदी कैसा काम कर रहे हैं। एक एक करके, एक एक करके ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलने का काम करेंगे, खुद रामदेव का और मोदी जी जो महान काम कर रहे हैं उसका भी। सुनिए जरा, देश अपनी कैसी कैसी कराने की बात रामदेव कह रहे हैं। ऋषि से मिलकर के गौरव की अनुभूति हुई, मुझे खूब लोगों ने ट्रोल किया, करने दो, लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी अच्छा काम कर रहा है। कमाल की बात है ना। आप अपने परिवार में, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि जब आपके बच्चे आपके सामने बैठे हो, क्या आप अपने परिवार के अंदर ये बात कह सकते हैं? क्या आप अपने माता पिता के सामने ये बात कह सकते हैं कि देश अपनी ऐसी वैसी कराए, मोदी अच्छा काम कर रहा है? ये बात कोई अंधभक्त कहे, कोई गली का लुच्छा कहे तो समझ में आता है कि उसके क्या औकात है, क्या हैसियत है, ठीक है। लेकिन रामदेव जो अपने आप में जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, अरबों खरबों रुपए के स्वामी हैं, तो कुछ तो लिहाज करना चाहिए। अब जो रामदेव कह रहे हैं देश अपनी ऐसी वैसी कराए और मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, पहले रामदेव की हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर उसके बाद मोदी कैसे कैसे काम कर रहे हैं और देश अपनी कैसी कैसी करवा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले रामदेव का देखिए, रामदेव का ट्वीट आप देखिए। रामदेव का ट्वीट है ये 26 जून 2012 का, ये उनका खुद का ट्वीट है, अभी डिलीट भी नहीं किया है। क्या लिख रहे हैं? भारत का वित्त मंत्री यदि अच्छा व ईमानदार हो जाए तो हिंदुस्तान का काला धन एक दिन में आ जाएगा। अब इनसे ये पूछे कोई, ये देश अपनी ऐसी वैसी करवा रहा है इन्हीं मोदी जी के राज में, जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं मोदी जी के राज में कितने वित्त मंत्री बन चुके हैं? और क्या कोई भी वित्त मंत्री अच्छा नहीं था? क्या कोई भी वित्त मंत्री ईमानदार नहीं था? क्या मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या देश अपनी ऐसी वैसी नहीं करवा रहा है? और फिर अभी तक ये काला धन क्यों नहीं आया? आप तो एक दिन की बात कह रहे थे साहब, यहां पर तो 8 साल बीत चुके हैं, हजारों दिन बीत चुके हैं। एक दिन की बात आप कह रहे थे कि ये काला धन आ जाएगा। और जरा सुनिए एक बार रामदेव को, आप सुनिए रामदेव को, मैं सुनवाता हूं इनकी खुद की जुबानी, आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि देश के अंदर ईमानदार सरकार हो, काला धन बाहर से आ जाए तो देश के अंदर डीजल पेट्रोल 3500 रुपए बिकेगा, देश के अंदर सिलेंडर 200 रुपए बिकेगा, जो सिलेंडर उस वक्त में खुद रामदेव बता रहे हैं कि 400-500 रुपए बिक रहा था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। सुनिए जरा, ये समझ लो ये काला धन वापस आ जाएगा, 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर वस्तु की कीमत 30-50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30-35 रुपए, इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स, 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है, ये तुम्हारा फायदा। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करें। ये तो आपने रामदेव की बात सुनी, और यहां तक तो हुई रामदेव की बात। अब बात करते हैं उस बात की जो रामदेव कह रहे हैं। रामदेव कह रहे हैं देश अपनी ऐसी वैसी कराए, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे देश अपनी कैसी कैसी करवा रहा है और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सुनिए, ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, 2 रोज पहले की खबर है, आरबीआई की खबर है, भास्कर की खबर आप देखिए।
इसमें आप देखिए देश के अंदर नोटबंदी के बाद में 500 रुपए के नकली नोट दुगने हो चुके हैं, 101% 500 रुपए के नकली नोट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, बाजार में चल रहे हैं। तो देश तो अपनी ऐसी ऐसी करा रहा है रामदेव जी। और उसके बाद में 2000 के नोट 54% बढ़ रहे हैं, और बाकी के नोट आप देख लीजिए 50 के नोट जो छुट्टा नोट होता है वो भी 28% है। तो देश अपनी ऐसी ऐसी करा रहा है। अब उसके बाद में रामदेव जी और आप देखिए रसोई गैस जो आप कह रहे थे 200 रुपए में मिलेगा, ईमानदार और अच्छी सरकार हो काला धन आ जाए, अब देखिए देश अपनी कैसी कैसी करवा रहा है। देश को अब रसोई गैस के दाम, अमर उजाला की खबर है, रसोई गैस के दाम बेलगाम, चूल्हे से चला रहे हैं काम। रसोई गैस के दाम बेलगाम, चूल्हे से चला रहे हैं काम, और देश करवा रहा है अपनी ऐसी वैसी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब उसके बाद में सुनिए आप, ये तलवारें नंगी तलवारें, इसी तरह की तस्वीरें लगातार देश ने देखी है। इन नाबालिग बच्चों के हाथ में ये तलवारें दे करके मंदिर और मस्जिद के सामने किसने खड़ा कर दिया? क्या इन बच्चों के हाथ में, इन नाबालिगों के हाथ में तलवार दे करके आप देश की ऐसी वैसी करवा रहे हैं और फिर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह तस्वीर आप देखिए, देश अपनी ऐसी वैसी करवा रहा है। और यह तस्वीर क्या कहती है? यह तस्वीर यह कहती है कि चाइना के बॉर्डर पर 2019 में अगस्त में रिपोर्ट आती है, यह 2019 के अगस्त की रिपोर्ट है जहां पर कुछ नहीं है। और उसके बाद में देश ने अपनी ऐसी वैसी करवाई, मोदी जी ने अच्छा काम किया, और 2020 के अंदर नवंबर में खबर आती है चाइना ने अपना गांव बसा लिया। देश अपनी ऐसी वैसी करवा रहा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, डंके की चोट पर हम कहते हैं। रेलवे ने गैर संरक्षा श्रेणी के 51,000 पद खत्म कर दिए। देश ने अपनी ऐसी वैसी करवाई, देश के बेरोजगारों ने अपनी ऐसी वैसी करवाई, और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि 51,000 रुपए एक फटके में, 51,000 पद एक फटके के अंदर खत्म कर दिए। देश ने अपनी इतनी ऐसी वैसी करवाई। उसके बाद में आपको दिखाते हैं, देश अपनी इतनी ऐसी वैसी करवा रहा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप, कुतुब मीनार की खुदाई चाहिए, उसके बाद में ताजमहल की खुदाई चाहिए, उसके बाद में ज्ञानव्यापी की खुदाई चाहिए, और उसके बाद में नीचे की तस्वीर क्या कहती है? नीचे की तस्वीर कहती है हमें अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करनी है, हमें महंगाई पर बात नहीं करनी है, हमें बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है, हमें केवल बात करनी है इनके ऊपर। बताइए इसको क्या कहेंगे? तो बहरहाल देश अपनी ऐसी वैसी करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, या आपको लगता है कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता रहा हूं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रामदेव जो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी